दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम। मैं डॉक्टर सुनील कुमार यादव आप सभी खेल प्रेमियों का अभिवादन करता हूं और आप सभी डॉक्टर सुनील कुमार यादव का अभिवादन स्वीकार कीजिए। दोस्तों पेरिस ओलंपिक खेल लगभग समाप्ति की ओर हैं और भारत ने इन ओलंपिक खेलों में 6 मेडल जीते हैं जिनमें से 1 रजत और 5 कांस्य पदक हैं। दोस्तों ओलंपिक खेलों के समापन समारोह में भारत की तरफ से फ्लैग बेयरर होंगे हॉकी टीम के गोलकीपर श्रीजेश और शूटर मनु भाकर। ये दोनों ही खिलाड़ी ओलंपिक समापन में भारतीय टीम के फ्लैग बेयरर होंगे और भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व करेंगे। दोस्तों श्रीजेश का यह दूसरा लगातार ओलंपिक मेडल था। श्रीजेश के बारे में अगर कहा जाए तो वह एक लीजेंड खिलाड़ी हैं और अगर हम कहें कि वह जिब्राल्टर की चट्टान हैं या वॉल हैं गोल के, जिन्होंने अपने दम पर भारतीय टीम को कई मौक़ों पर गोल रहित मैचों में विजयी दिलवाई। पीआर श्रीजेश लीजेंड खिलाड़ियों में शुमार हो गए और उन्होंने इस ओलंपिक खेलों के साथ ही अपने हॉकी जीवन को अलविदा कह दिया, संन्यास ले लिया। पीआर जो श्रीजेश हैं ये हमेशा खेल प्रेमियों के दिलों में बसेंगे और जब भी ओलंपिक की बात आएगी तो पीआर श्रीजेश का नाम एक बेहतरीन गोलकीपर के रूप में लिया जाएगा। मनु भाकर एकमात्र ऐसी ओलंपिक खिलाड़ी बनी जिन्होंने एक ही ओलंपिक में 2 मेडल जीते। हालांकि वो तीसरा मेडल जीतने से चूक गई और चौथे स्थान पर रहीं। मनु भाकर ने शूटिंग प्रतियोगिता में भारत के लिए 2 मेडल जीते और दोनों ही मेडल जो थे उनका रंग जो था वो कांस्य था। ब्रॉन्ज मेडल के रूप में उन्होंने दोनों ही मेडल जीते। आने वाले समय में मनु भाकर भारतीय टीम के लिए ओलंपिक के साथ साथ अन्य प्रतियोगिताओं में भी मेडल जीतती रहेंगी, ऐसा हम सभी विश्वास करते हैं और इसीलिए पीआर श्रीजेश और मनु भाकर को यह जिम्मेदारी दी गई है, यह सम्मान दिया गया है। हम सभी भारतीय खिलाड़ी एक बार फिर से अपने लीजेंड श्रीजेश का धन्यवाद करते हैं, उनके खेल की सराहना करते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। अगर ओलंपिक से जुड़े रहें और आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें और ओलंपिक की सारी जानकारी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी।